जोहार झारखंड, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर्स और इसी वीडियो में हम लोग सम्मिलित करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को। आपको बता दूं कि ये सेशन आपके झारखंड से संबंधित सभी एग्जामों के लिए ये कारगर होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल। बोल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है कहाँ पर जो है 15,618 लाख की 155 योजनाएं एवं 1,092 लाख की जो है यहाँ पे बोल रहा है कि 58 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है कि एक तो बोल रहा है कि 155 जो योजना था इसका शिलान्यास किया गया है, इसपे जो लागत आया है कितना, तो 15,618 लाख आएगा। और जो 58 योजनाओं का जो उद्घाटन किया गया जो कि कितना इस पे लागत आया, 1,092। तो आपसे बोल रहे कि ये कहाँ पे हेमंत सोरेन के द्वारा इसका शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा, बरहेट हो जाएगा। आपको एक और चीज याद रखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ये कौन से पार्टी से हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और ये झारखंड के केवे नंबर के सीएम है, तो ये गर्वे नंबर के सीएम है। वर्तमान में यहाँ पे गवर्नर की अगर बात की जाए उनका नाम क्या है, रमेश बैस है, और ये केवे नंबर के हैं, तो रमेश बैस जो है ये गवर्नर जो है यानी कि राज्यपाल जो है ये 10वें नंबर के हैं, ये भी याद रखना होगा। बरहेट जो है ये हेमंत सोरेन यहीं से विधायक भी हैं, यानी कि हेमंत सोरेन का पूछेगा कि ये कहां से विधायक है, तो ये बरहेट से विधायक है, ये भी याद रखना होगा आप लोग को। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये बरहेट जो आता है ये कहाँ पे आता है, बरहेट जो है ये कौन सा जिला के तहत आता है। और एक और चीज जानना है यहाँ पे कि कुछ ऐसा जो सीट था जहाँ पे उपचुनाव हुआ है, जिसमें ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं, एक बेरमो हो जाएगा, एक आपका मधुपुर हो जाएगा, मधुपुर सीट जहाँ पे उपचुनाव हुआ है, एक मांडर हो जाएगा, मांडर जहाँ पे उपचुनाव हुआ था, और एक और है बेरमो हो जाएगा, मधुपुर हो जाएगा, एक मांडर हो जाएगा, और एक आपका दुमका जहाँ पर उपचुनाव हुआ था। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि चार ऐसे सीट थे जहाँ पे उपचुनाव हो चुके हैं। जल्दी से कमेंट करके आप लोग को आंसर बताना है कि बरहेट कहाँ पे पड़ता है, जल्दी से बताइए, और एक बार सेशन को शेयर कर देना है आप लोग को। देखिए बरहेट की अगर बात किया जाए बाबू, चलिए किन्नी का आंसर आ रहा है, जल्दी से आंसर करने का आप लोग प्रयास करिए। हाँ, साहिबगंज आ गया योगेंद्र कुमार। देखिए बरहेट जो आता है ये कहाँ पे आता है, साहिबगंज जिला में आता है, जहाँ पे हेमंत सोरेन के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पे मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। ये ऐसे मॉडल स्कूल होंगे जो कि जो प्राइवेट स्कूल आप देखते हैं, प्राइवेट विद्यालय देखते हैं, उससे भी अच्छा यहाँ पे व्यवस्था होगा, जो कि हाल ही में हेमंत सोरेन के द्वारा बोला गया है। साहिबगंज जो है झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है, यानी कि हम लोगों का पूछे कि अपना जो मैप है प्यारा झारखंड है उसका सबसे उत्तरी जिला कौन सा होता है, तो साहिबगंज होता है। और यह झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पे गंगा नदी टच करता है, यानी कि गंगा नदी जो झारखंड का एकमात्र जिला को टच करता है वो साहिबगंज जिला है। और बेरमो जहां उपचुनाव हुआ है, मधुपुर हुआ है, मांडर हुआ है, दुमका हुआ है, और बेरमो में इसलिए हुआ क्योंकि बेरमो में पहले थे राजेंद्र सिंह विधायक। शुरुआत समय में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विधायक थे राजेंद्र सिंह थे, तो राजेंद्र सिंह के जब निधन होने के बाद जो है इनके बेटे जिनका नाम है अनूप सिंह, और इनका एक और नाम है, एक तो अनूप सिंह हो जाएंगे और एक जयमंगल सिंह, यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, ज्यादा ऑप्शन में आपको जयमंगल सिंह नजर आएगा। तो पूछेगा कि बेरमो से विधायक कौन है, तो आपको जयमंगल सिंह इसलिए याद करना है क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव हो चुका है, चार उपचुनाव हो चुके हैं यहाँ पे चार सीटों के लिए, एक बेरमो वाला, एक मधुपुर। चलिए बताइए कि मधुपुर जो है ये विधानसभा कौन सा जिला के तहत आता है, और मांडर तो है आपका रांची के तहत आता है, रांची जिला में आपको मांडर आता है, मधुपुर बताइए कहां पे आता है, और एक आपका बेरमो है, बेरमो जो है ये कहां पे आता है। चलिए जल्दी से बताना है कि बेरमो जो है ये कौन सा जिला के तहत जो आता है जो कि विधानसभा सीट है, तो मधुपुर जो आता है ये देवघर में आता है, देवघर जिला के अंतर्गत, मांडर रांची में आता है। ये देखिए ये पूरा हम झारखंड करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो आप लोगों को बारीकी से बारीकी चीजों को भी बताते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को राजनीति में भी इंटरेस्ट रहना चाहिए क्योंकि इससे भी तो सवाल आता है ना, वो हो सके आपका इंटरव्यू में जाते हैं, आपका अगर बेरमो जो है ये आपका जो है विधानसभा सीट आता है तो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि जो बेरमो विधानसभा सीट है वो कौन सा जिला के तहत आता है, जल्दी बताना है। हाँ, दुमका में भी मॉडल कॉलेज बनना है। चलिए हाँ चलिए, कोई है कोई डाउट कि नहीं को, हाँ मधुपुर देवघर में आता है ये बताना है आप लोगों को, बेरमो बताइए। अब देखिए यहाँ पे मधुपुर, मांडर और दुमका यहाँ पर था, तो दुमका में अभी विधायक की अगर बात किया जाए तो बसंत सोरेन है, बसंत सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। मांडर में अगर बात किया जाए यहाँ पर भी नया उपचुनाव हुआ था, ये जुलाई में ही यहाँ पर उपचुनाव हुआ था जो कि कांग्रेस पार्टी की जीत दर्ज किया, और यहाँ पे जो बंधु तिर्की थे जो पहले विधायक थे उन्हीं का बेटी, यानी कि बंधु तिर्की को क्या होता है कि आज
50 से अधिक संपत्ति होने के कारण इनकी सदस्यता रद्द कर दिया जाता है। और फिर किनको बनाया जाता है, शिल्पी नेहा तिर्की को, शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कांग्रेस पार्टी से है और ये वर्तमान में देख सकते हैं झारखंड के जो विधानसभा में अभी वर्तमान में विधायक की संख्या अगर पूछ दे तो 81 विधायक हैं और 81 विधायक में सबसे कम उम्र की विधायक जो है वो है शिल्पी नेहा तिर्की। और सबसे उम्र दराज आप लोगों को बताए हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि सबसे उम्र दराज विधायक कौन है और वो भी कांग्रेस पार्टी से है। सबसे कम उम्र वाला भी कांग्रेस पार्टी से, सबसे ज्यादा वाला भी कांग्रेस पार्टी से और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो लोहरदगा से बिलोंग करते हैं। और हिंट के लिए आपको बता रहे हैं कि वो अभी वर्तमान में झारखंड में वित्त मंत्री हैं। जल्दी से कमेंट करके बताना है। यहां पे बेरमो जो है ये कहां पे आता है, तो बेरमो जो है ये बोकारो के तहत आता है। चलिए बेरमो का आंसर आया कि नहीं, चलिए बोकारो में आता है। हाँ, बेरमो जाता है जो कि बोकारो के, बोकारो जिला जो है वहां पे आता है, बोकारो के तहत आता है। और बोकारो जो है, बोकारो का जो आप लोग देखिएगा कि बोकारो जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है, बोकारो स्टील सिटी हो जाता है। बोकारो का, बोकारो स्टील सिटी जो है हेडक्वार्टर है। कुछ ऐसे जिला है जिसका हेडक्वार्टर भी अलग होता है। बरहेट से आप लोग को विधायक बता दिए कि हेमंत सोरेन है। मधुपुर से अगर बोलेगा तो हाजी हुसैन अंसारी, जिनके निधन होने के बाद जो है इनके बेटे हाफिजुल हसन को बना दिया जाता है। हाफिजुल हसन जो है ये चुनाव को जीत जाते हैं। हाफिजुल हसन जो है आप लोगों को याद रखना है, हाफिजुल हसन जो झारखंड सरकार में पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, खेल के मंत्री हैं और संस्कृति मंत्री हैं। रामेश्वर उरांव सही आंसर होगा कि अभी सबसे उम्रदराज विधायक झारखंड में जो वित्त मंत्री भी हैं, जिनका नाम क्या है, रामेश्वर उरांव है और लोहरदगा से वो विधायक है। मांडर से बता दिए, मधुपुर से आप लोग को बता दिए। तो ये चीज़ें हैं, इतना डीप में आप लोग को एनालिसिस करना होगा। और यहाँ पर जो बरहेट में जो आयोजन किया गया, जो साहिबगंज में बरहेट पड़ता है वहाँ पर योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, इसके अलावा जो भी परिसंपत्तियाँ थे उसको भी यहाँ पर वितरण किया गया, जनता दरबार लगाया गया था, लोगों की जो बातें हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सुना गया। अगला सवाल दो नंबर सवाल है कि कौन सा जिला अंतर्गत जो है घोरीचक दिघी बाईपास पथ को जो है, जिसकी लंबाई जो है 2.8 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए जो है 9,62,00,000 की लागत से संपन्न हुआ है, ये कौन सा जिला के तहत आप लोग को देखने को मिलेगा घोरीचक दिघी बाईपास। देख सकते हैं यहाँ पे पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो है ये निर्देश दिया गया है और जल्दी में यहाँ पर गए भी हैं। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर हेमंत सोरेन भी गए हैं वहाँ पे, वहाँ पर भी लोगों की बातों को सुना गया और वहाँ पे बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। ये दो नंबर सवाल है, दो नंबर सवाल का सही आंसर करिए। चलिए फैक्चुअल बेस जल्द ही बनेगा जय कुमार। चलिए आप लोग को जैसे ही इस मंथ को खत्म होता है तो आप लोग को जितना भी आप लोगों को करंट अफेयर है वो भी मिल जाएगा। गोड्डा हो जाएगा इसका राइट आंसर, गोड्डा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे 9 करोड़ जो है 62,00,000 रुपए का जो है एक घोरीचक दिघी बाईपास पथ है उसका जो है चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया गया है। आप लोगों को बता दूं कि गोड्डा, गोड्डा में अभी वर्तमान में सांसद जो कि निशिकांत दुबे है और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक और नाम याद रखना है, एक विधानसभा क्षेत्र आता है जिसको बोलते हैं महागामा, महागामा जो है वहां से अभी विधायक जो है दीपिका पांडे सिंह हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं जो कि माननीय विधायक हैं कहां से, महागामा से। और ये कौन से पार्टी से हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से, वो भी यहाँ पे आए थे और भाग लिए थे जहाँ पे चौड़ीकरण किया गया है और मजबूतीकरण के लिए जो रोड निर्माण किया गया जो कि जिसका नाम क्या है घोरीचक दिघी बाईपास, जो कि कहाँ पे है, गोड्डा में है। और यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल मेरा कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में परिवहन विभाग के मंत्री कौन है, झारखंड में परिवहन विभाग के। चलिए मेरा घर दिघी है, चलिए योगेंद्र कुमार आप लोग गोड्डा से हैं, चलिए आप लोगों का ये रोड है जी, इस रोड से आप लोग कभी गए हैं, हम लोग तो कभी गए नहीं हैं, मगर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जो आता है आप लोग को, अब बताइए जो जिस एरिया से आप हैं उनका विधायक का नाम आप लोग को सुनने को मिलता है, यहाँ पे सांसद का नाम सुनने को मिलता है, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पे दीपक कुमार साहा जुड़े हुए हैं, प्रिया कुमारी, योगेंद्र कुमार। चलिए एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, पुनः एक बार सेशन को शेयर कर देना है जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। और यहाँ पर आंसर आ गया है कि हम पूछे कि परिवहन विभाग के मंत्री कौन है, देखिए ये सेशन में हम लोग रिवीजन भी करते चलते हैं, परिवहन विभाग के मंत्री कौन है, तो इनका नाम है चंपई सोरेन, याद रखना है। ये सवाल बोल रहा है कि गोड्डा जिला में एक पथ बना है जिसको महागामा दिघी पथ बोलते हैं, महागामा दिघी पथ बोलते हैं, जो कि केचुआ चौक है, केचुआ चौक अगर आप लोग गए हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई गोड्डा वाले होंगे तो जरूर इस एरिया से आप लोग बिलोंग करते होंगे, जहाँ पे
लगभग मैं बोल सकते हैं 11.5 किलोमीटर का पुनर्निर्माण किया गया है सड़क का। तो बोल रहे हैं कि इस पे कितने करोड़ रुपए के खर्च आएंगे, तो ये लगभग में आप लोग को याद रखना है लगभग में 71 करोड़, यानी कि यहाँ पर 71 करोड़ जो है और 73 लाख रुपया की लागत से ये जो है बन रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ पे पथ निर्माण विभाग के द्वारा ऐसा नोटिस भी जारी किया गया, जहाँ पर देख सकते हैं हेमंत सोरेन जो है गए थे और बताए कि यहाँ पर जो पुल वगैरह बनेगा या यूटिलिटी शिफ्टिंग जो होता है या भू अर्जन किया जाएगा उसको लेकर जो टोटल खर्च आएगा जो कितना आएगा 71 करोड़ 73 लाख रुपया आएगा। और यहाँ पर जो है महागामा जो है एरिया है जहाँ पे विधानसभा सीट है, वहाँ से जो है विधायक है दीपिका पांडे सी जो कि कांग्रेस पार्टी से, वो भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो है परिसंपत्तियों वगैरह का जो है यहाँ पे विभिन्न तरह की योजनाएँ, विभिन्न तरह का जो बोल सकते हैं कि वहां पे योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। चार नंबर सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 करोड़ से अधिक राशि की 15 योजनाओं का उद्घाटन। ध्यान रखना है कि यहाँ पे 27 करोड़ रुपए की लागत से जो है यहाँ पर 27 करोड़ से अधिक की राशि की 15 योजनाओं का उद्घाटन किया गया और 180 करोड़ से अधिक राशि की 40 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो टोटल जो योजना बोल सकते हैं 55 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया, तो ये कहां पर किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, तो ये भी आपका सही आंसर गोड्डा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट हो जाएगा, यानी कि गोड्डा में जो सड़क था उससे रिलेटेड एक सवाल बना कि एक आपका जो है आप लोग को दीघी पथ वाला जो हो जाएगा और एक और आपको याद रखना है एक महागामा दीघी हो जाएगा और एक आपका है घोरचक दीघी हो जाएगा। देखिए पूरा अगर नहीं याद रहता है, हल्का सा भी याद रहेगा तो आप लोग को आंसर वहां पे चला जाएगा, इसी कारण हम बार बार सवाल को विजन कराने का प्रयास करते हैं। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला अगर बोल दिया जाए तो पाकुड़ हो जाता है, सबसे उत्तरी जिला अगर बोल दिया जाए तो साहिबगंज हो जाता है और झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला अगर बोल दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, तो वो आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाता है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला अगर बोल दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, गढ़वा हो जाता है। गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, बाकी 24 जिला में से एकमात्र जिला गढ़वा है, जो कि कौन कौन से टच करते हैं, एक तरफ तो बिहार से टच करते हैं, एक तरफ यूपी से टच करते हैं और एक तरफ अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से भी टच करते हैं, ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा। आप लोग बताइए कि गोड्डा से लेकर कोलकाता के बीच में एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जिसका नाम क्या है, गोड्डा से लेकर जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं कोलकाता तक एक स्पेशल ट्रेन जल्दी में शुरू किया गया है, उसका नाम आप लोग को बताना है जल्दी से। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जहाँ पर विकास मेला का आयोजन किया गया था, जनता दरबार लगाया गया था, जहाँ पे आम जनता आम पब्लिक के जो बातों को भी सुना गया था। अगला सवाल 5 नंबर है कि झारखंड राज्य में कृषि योग्य लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि में अब तक कितने लाख हेक्टेयर खेत में फसल कवरेज किया गया है, यानी कि देख सकते हैं कि अगर जो है बारिश वगैरह नहीं होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है फसल का कवरेज जो है कम हुआ, तो 28 लाख हेक्टेयर भूमि में कितना हुआ है, तो 13 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, जब कृषि विभाग की बात कर रहे हैं तो झारखंड में कृषि विभाग के मंत्री कौन है, झारखंड में कृषि विभाग के मंत्री कौन है जल्दी से बताना है। चलिए भूल गए योगेंद्र बोल रहे, भूल गए, देखिए एक ट्रेन तो चला था गोड्डा से लेकर नई दिल्ली तक, गोड्डा से लेकर नई दिल्ली तक चलेगा तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम सफर एक्सप्रेस, हम सफर एक्सप्रेस गोड्डा से नई दिल्ली, और एक गोड्डा से लेकर आपका जल्दी में चला कोलकाता के बीच में, गोड्डा से लेकर कोलकाता के बीच में चला उसको बोलते हैं सियालदा एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस ये भी याद रखना है, सियालदा एक्सप्रेस गोड्डा से लेकर कोलकाता के बीच में चला। आप लोग बताइए कि हाल ही में एक ट्रेन चला था जसी डी से शुरू हुआ था और जसी डी जो है ये कहाँ पर स्थित है, एक सवाल बना, और जसी डी से लेकर कहाँ तक चला था, जसी डी से लेकर कहाँ तक चला था जो रिसेंट में चला है झारखंड में और ये चलने वाला है, यानी कि कल से 23 सितंबर से चालू होगा, जो कि जसी डी को कहाँ से जोड़ेगा जल्दी से बताना है। 23 सितंबर को जो है हाल ही में जो है एक नई ट्रेन शुरू किया जाएगा, साप्ताहिक ट्रेन है, जो कि कहाँ को जोड़ेगा और वो जसी डी से चलेगा, जसी डी कहाँ पर स्थित है ये भी बताना है। चलिए बेंगलुरु को जोड़ेगा, जसी डी से लेकर बेंगलुरु तक चलेगा और ये आप लोगों को जो है साप्ताहिक ट्रेन है, जो कि 23 सितंबर यानी कि कल से वो शुरू किया जाएगा। कृषि विभाग के मंत्री कौन है, बादल पत्रलेख है, बादल पत्रलेख, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आ रहा, मजा आ रहा आप लोग को। और एक और चीज आप लोग को हम अनाउंस करने वाले हैं आज के दिन में, वो आप लोग वीडियो में बने रहिए, उसके लिए हम रिसेंट में आप लोगों को
बताने वाले हैं। झारखंड राज्य फसल राहत योजना में अब तक जो है फसल राहत योजना इसलिए चलाया जाता है ताकि कोई भी किसान है उनके फसल को अगर नुकसान होता है तो झारखंड सरकार के द्वारा उनको क्या है मुआवजा दिया जाएगा। अब तक 17 लाख जो है किसानों का आवेदन मिल चुका है और यहाँ पर बोला गया हेमंत सोरेन के द्वारा अगर बारिश कम होने की वजह से जो भूमि जो है बंजर रह गया वहां पे फसल नहीं बोया गया है तो उस पर कृषि से जुड़े वैकल्पिक मैकेनिज्म तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। और यह है अपना प्यारा झारखंड और प्यारा झारखंड के मैप से आप लोगों को क्या क्या सवाल बनेगा पूछेगा कि झारखंड में कितने जिला है तो 24 जिला है। झारखंड के कितने ऐसे जिला है जो किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं तो 2 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? एक लोहरदगा जो कि किसी राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है और एक आपका खूंटी हो जाएगा। झारखंड का सबसे पुराना जिला अगर बोल दिया जाए तो हजारीबाग हो जाएगा। सबसे नया जिला यानी कि 24वां जिला, जब 24 जिला है तो सबसे 24वां बना होगा तो 24वां जिला जो है रामगढ़ है और खुंटी आपका 23वां जिला है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि झारखंड का जो जिला है वो बिहार से टच करता है तो बिहार से कितने ऐसे जिला झारखंड का टच करते हैं तो 10 जिला जो है वो बिहार से टच करते हैं। और वेस्ट बंगाल से कितने ऐसे जिला है जो टच करते हैं तो 10 जिला जो है वो वेस्ट बंगाल से भी टच करते हैं। आप काउंट करिएगा घर पे बैठ के इस मैप को तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब उड़ीसा की बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा से कितने लगते हैं, उड़ीसा से कितने ऐसे जिला हैं जो कि लगते हैं, फिर छत्तीसगढ़ से भी जिला लगते हैं और फिर उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से कितने ऐसे जिला हैं 3 आप लोगों को बताना है। क्योंकि झारखंड का मैप आप निहारिएगा देखिएगा तो आप पाइएगा कि झारखंड का जितने जिला हैं जो, तो झारखंड जो है ये 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो बिहार से कितने तो 10 जिला टच करते हैं, वेस्ट बंगाल से 10, तो यूपी से 1 टच करता है, चलिए यूपी से 1 करता है गढ़वा, चलिए यहां पर उड़ीसा से कितने 4, देखिए कौन कौन 4, एक सिमडेगा 1 हो गया, यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम 2 हो गया, यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा 3 हो गया, सरायकेला खरसावां 4 हो गया। आप लोग को छत्तीसगढ़ से बताइए जल्दी से, हाँ उत्तर प्रदेश से एकमात्र लगता है गढ़वा लगता है और कोई नहीं टच करता है। तो इस तरह का भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए तब मजा आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोग को रिविजन, अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ छत्तीसगढ़ से हम पूछे हैं बाबू, जल्दी से बताना है छत्तीसगढ़ से, चलिए नितेश जुड़े हुए हैं, ओम यादव, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, आप लोग को एक खुशखबरी आज हम देने वाले हैं, एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट रहेगा तो एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर सकते हैं, चलिए जल्दी से इसके बारे में आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर, छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, चलिए छत्तीसगढ़ का आंसर आ गया है तो 4 हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ से कौन कौन लगता है, एक तो गढ़वा लग जाएगा, लातेहार हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुमला हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक सिमडेगा, सिमडेगा दोनों तरफ से लगता है, एक तो आपका छत्तीसगढ़ से भी लगता है और एक उड़ीसा से भी लगता है। तो ये भी सवाल पूछता है कि झारखंड के कितने ऐसे जिला हैं, ध्यान से सुनना है कि झारखंड के कितने ऐसे जिला हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, 2 या 2 से अधिक बोलेगा तो आपका सही आंसर 6 चला जाएगा। अगर केवल 2 बोलेगा कि झारखंड का कितने ऐसे जिला हैं जो केवल 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं तो 5 हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक बोलेगा तो 1 काउंट ये वाला हो जाएगा। देखिए कौन कौन है, साहिबगंज जो है ये 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो आपको बिहार से भी करता है और एक तरफ वेस्ट बंगाल से, तो 1 हो गया। यहाँ दुमका को देखिएगा तो 2 हो जाएगा, एक तरफ बिहार से भी टच करता है और एक आपका वेस्ट बंगाल से भी टच करता है, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए ईस्ट सिंहभूम 3 यहाँ हो गया, देखिए ईस्ट सिंहभूम को अगर बात करें एक तरफ आपका वेस्ट बंगाल से भी लगता है, एक तरफ उड़ीसा से भी लगता है। सरायकेला खरसावां को देखिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इधर एक तरफ तो आपका वेस्ट बंगाल से भी लगता है और एक तरफ उड़ीसा से, और सिमडेगा 5वां हो जाएगा, यानी सिमडेगा छत्तीसगढ़ से भी लगता है उड़ीसा से, यानी कि बोलेगा कि झारखंड के कितने ऐसे जिला है जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, 5 हो जाएगा। बोलेगा कि झारखंड का कितने ऐसे जिला हैं जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो एकमात्र है जो कि गढ़वा है जो कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है, याद हो गया है, चलिए कुमार सुमित बोल रहे हैं, हम इतना बार रिविजन कराएंगे कि आप लोग को याद हो जाएगा। और आज का सेशन जो है कुछ अनसुनी कहानी जो आप लोग नहीं जानते होंगे उसके बारे में हम आप लोग को बताने वाले होंगे, और जहां से आप बिलोंग करते हैं अगर उसे प्रॉपर लोकेशन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आप वहां से बिलोंग करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आप लोग को दलाही कुंड, दलाही कुंड को हम लोग बोकारो कुंड के नाम से जानते हैं, और बोकारो जो जगह है, बोकारो का जो हेडक्वार्टर हो जाता है, बोकारो स्टील सिटी है, अगर आपको दलाही कुंड जाना है जो कि बोकारो
कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये बोकारो सिटी जो है, बोकारो जो सिटी का हेडक्वार्टर है वहाँ से 27 किलोमीटर के दूरी पे है। और अगर प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो जगासुर एक जगह है, वहाँ से लगभग मैं बोल सकते हैं करीब 300 मीटर पैदल जाइएगा तो आप यहाँ पर पहुँच जाइएगा। जब तालाब को आप बढ़िया से देखिएगा बाबू, तो यहाँ पर क्या है, ये कंक्रीट की दीवार यानी कि जो सीमेंट वगैरह जो रहता है उससे घिरा हुआ है। और यहाँ का जब जलाशय को आप देखिएगा, आप जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ का पानी एकदम क्लीन है, एकदम साफ है। इससे जुड़ी भी रहस्यमय कहानी को भी आज आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए आप झारखंड के बारे में जानिएगा तभी तो आप वहाँ पे एग्जाम देने के लिए, जब एग्जाम सेंटर आप लोग को रहेगा इस जिला में तो आप लोग जाते हैं तो जरूर उस जगह पर जाने का प्रयास करिएगा। ये जो तालाब है, ये कुंड बोल सकते हैं, ये औषधीय गुण से भरा हुआ है। और कुंड के निकट जो है दलाही गोसाई का देव स्थान है, ये भी याद रखना है कि यहाँ पे दलाही गोसाई का देव स्थान है। और यहाँ पे विशेष तौर पर अगर देखा जाए, ऐसे तो रोजाना यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए आते हैं, मगर विशेष तौर पर यहाँ पे रविवार को जो है पूजा पाठ के लिए जो है दूर दूर से लोग भी आते हैं। यहाँ पर इसकी खासियत की अगर बात किया जाए दलाई कुंड का, कि यहाँ का खासियत बहुत मज़ेदार है, जिसका रहस्यमय अभी तक कोई भी वैज्ञानिक भी इसको सुलझा नहीं पाया है। क्या कि रिसर्च किए यहाँ पर पता ही नहीं चला कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब आप इस कुंड के सामने जाइएगा और आप ताली अगर बजाते हैं, तो आप ताली जैसे ही बजाइएगा तो पानी जो है अंदर से जो है अपने आप निकलने लगता है। और इतना तेज़ी से निकलेगा पानी, जैसे लगेगा मान लिया जाए कि जैसे बर्तन में आप पानी उबालते हैं, उस तरह से लगेगा कि पानी उबल रहा है। ऐसा नहीं कि उसमें पानी में डालिएगा तो वो जलने लगेगा, नहीं वैसा नहीं है, वो आप लोगों को लगेगा कि उबल रहा है। वो पानी की अगर जब आप ताली बजाते हैं तो वो पानी अपने आप ऊपर आ जाता है, इसकी एक खासियत है। ये वाकई में रियल में काम करता है, ये बहुत सारे लोग से स्थानीय लोगों से मेरी बात हुआ है तो दलाई कुंड के बारे में बताए हैं। कोई है जो दलाई कुंड से आप लोग बिलोंग करते हैं? रिवीजन करना बहुत, अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में रिजल्ट नहीं हो पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं रिवीजन का ही दोष है, तो रिवीजन करना बहुत अति आवश्यक है। ऐसा कैसे होता है, इस पर रिसर्च हम तो बोल रहे हैं, हम वैज्ञानिक नहीं ना हैं, हम एक शिक्षक हैं मात्र, आप लोग को एक जो बोल सकते हैं गाइडेंस देने वाले हैं। हम तो छोटे लोग हैं ना, तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि आखिर ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं मगर यहाँ नहीं पता चला। और इसकी एक और खासियत है कि यहाँ पर अगर आप एक बार नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो आपको चर्म रोग जो चर्म से संबंधित जो बीमारियाँ होती है वो दूर हो जाएगा, और ऐसा कहा जाता है यहाँ के बारे में स्थानीय लोगों के द्वारा। और इस कुंड का एक खासियत है कि सर्दी के दिन में आप जाइएगा तो यहाँ का पानी रहेगा वो गर्म जैसा रहेगा, यानी कि एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सर्दी के टाइम में अगर ठंडा के टाइम में जाते हैं तो बहुत सारे लोग ठंड में नहाने से डरते हैं, तो यहाँ पे सर्दी के टाइम पे जाइएगा तो गर्म पानी, और गर्मी में आप जाते हैं तो यहाँ पर ठंडा पानी देखने को मिलता है, तो ये भी इसकी खासियत है। तो दो खासियत है यहाँ पे कि जैसे ही आप जाइएगा यहाँ पे ताली बजाइएगा तो पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है वहाँ पे, और लगेगा जैसे मानो वो खौल रहा है पानी, वो तेज़ी से निकलता है। और इसकी एक और खासियत है कि सर्दी के टाइम में ये गर्म और गर्मी के समय में ठंडा पानी यहाँ से निकलता है। और इस पे जो पर्दा है, इसके पीछे का रहस्य अभी तक कोई पता नहीं कर पाया है। और इससे कहा जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं, कोई भी मन्नत मांगते हैं तो वह पूर्ण कर दिया जाता है। इसे दलाही कुंड यानी कि बोकारो कुंड जो है, इसको दलाही कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और इस कुंड से निकलने वाला जो पानी जो है, ये जमुई नामक नाले से होता हुआ जो है गरगा नदी में जाता है। गगरा जो नदी है, गगरा नदी में जाके मिल जाता है और जमुई नामक नाले से होता हुआ जाता है। अगला है, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि वासुदेव कोना स्वयंभू शिव मंदिर, आप लोग देख लिए दलाही कुंड के बारे में देख लिए क्या क्या रहस्यमय चीजें हैं। दलाही कुंड कहाँ पर देखने को मिलेगा? बोकारो में देखने को मिलेगा। एक है वासुदेव कोना स्वयंभू शिव मंदिर। चलिए, प्रभु की माया कहे जो है किसी को समझ में नहीं आया है, आप लोग देखे होंगे प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो ये जो प्रभु की माया है एकदम अपरंपरार है और ये अपने आप में अनोखा है। चलिए, हाँ फंगस वगैरह सब जो है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसा कैसे होता है ये हमें नहीं पता, एक बार सेशन को और शेयर कर दीजिएगा आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए बताइए, लाइक बटन को क्यों नहीं दबाए अभी तक। चलिए, यहाँ पर वासुदेव कोना स्वयंभू शिव मंदिर की अगर बात किया जाए, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये गुमला में डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि ये कहाँ पर है। यहाँ पर आप जाइएगा तो एकदम देखिएगा कि अजंता गुफा के पत्थर की मूर्तियों के समान ये बना हुआ है और अनेक रहस्य से घिरा हुआ है। आप लोग जितने लोग को जोड़िए, आज हम आप लोग के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से रहेगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, आप लोग को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, वो आप लोग को जल्दी हम देने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे और आप लोग लास्ट में वो चीज़ें बताएंगे। देखिए, एक आप लोग को प्राचीन शिव मंदिर है जो कि खकपड़ता एक जगह है, तो पूछता है कि खकपड़ता का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा। ये खकपड़ता जगह जो है ये लोहरदग्गा में स्थित है, लोहरदग्गा। तो पूछेगा कि खकपड़ता का प्राचीन शिव मंदिर जो है ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं देखिएगा कि स्थापत्य कला को ये प्रदर्शित करता है।
और यहाँ पर आप जाइएगा तो यह अध्यात्म का प्रमाण देता है, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, लोहरदगा में। तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि जो खकपरता का प्राचीन शिव मंदिर है ये लोहरदगा में स्थित है। आप लोग बने रहिए, इसका एमसीक्यू जो है अगले क्लासेज में आप लोगों को खत्म कर देंगे और मंदिर आप लोगों का खत्म होने वाला है। मंदिर आप लोग को बहुत सारे मंदिर के हैं, अब आप लोग को पार्टिकुलर वीडियो एक अभी रोज रिविजन कर लिए, एक पार्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा एमसीक्यू का। जितने भी अभी तक मंदिर बनाए हैं उसको एक ही, जितने भी पढ़ा दिए हैं मंदिर उसको एक ही आप लोग को पीडीएफ में आप लोग को प्रिंट करा सकते हैं, उसको रख सकते हैं। अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनको भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोग भी जानने का प्रयास करते हैं, और हम कोई भी छोटा से छोटा मंदिर को पूरा डीप में एनालिसिस करें हैं और आप लोग को बताए हैं। कोई भी अगर वैसा आप लोगों को नहीं बताया है कि केवल आप लोग को डायरेक्ट केवल बता दिए याद कर देने, आपको डिटेल में सभी का सभी मंदिर हम कवर किए हैं। अब है एक जगह है जो कि बोलते हैं इसको पहाड़ों की दुल्हन, जिसको बोलते हैं लुगुबुरु पहाड़ी। लुगुबुरु पहाड़ी जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपको बोकारो में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट सवाल पूछता है। और ये प्रकृति के अद्भुत आविष्कारों में से एक माना जाता है, जो कि संथाल समाज के लोगों का आस्था का केंद्र है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को एक टॉपिक आता है जो कि आप लोग को झारखंड में जनजाति जितने, हम वो टॉपिक पे काम कर रहे हैं, हो गया है क्लियर। झारखंड में जितने जनजाति हैं उनके प्रमुख को क्या बोला जाता है, उनके प्रमुख को क्या बोला जाता है, वो टॉपिक आप लोग को जल्द खत्म कर देंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू भी आप लोग को खड़ा देंगे। झारखंड में प्रमुख जनजाति के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया जो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उसको भी हम मिनरल, देखिए मिनरल पे रिसर्च चल रहा है, मिनरल पढ़ाएंगे तो बहुत डीप में। देखिए हम कोई भी टॉपिक आप लोग को पढ़ाते हैं पूरा डीप में, प्लस में आप को जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहता है उस पे आधारित रहता है। पहाड़ी पर जो है लुगु बाबा का एक मंदिर भी आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि बोकारो में स्थित है। कोई अगर प्रॉपर लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एक और अद्भुत चीज के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं, टूटी झरना के बारे में। इसका भी जो है कहानी जो है बहुत रोचक है, आप अपने परिवार को सुना सकते हैं। अगर आप रामगढ़ में भी बिलोंग करते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसा हम तथ्य बताते हैं आप लोग को कि जो वाकई में आप लोग भी नहीं जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे मंदिर, लगभग 100 से ज्यादा हम मंदिर को कवर किए हैं झारखंड में। झारखंड में सबसे पॉपुलर 100 से ज्यादा मंदिर को हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों से। हम इस टॉपिक को इसलिए उठाए हैं, और अभी जल्द ही हम किला भी पढ़ाने वाले हैं, मस्जिद के बारे में पढ़ाए हैं, कौन सा मस्जिद है जो सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे, तो उस सब चीजें के बारे में पढ़ेंगे। टूटी झरना जो है रामगढ़ कैंट, जो आप जाइएगा रामगढ़ कैंट के लगभग जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा। हाँ क्या बोल रहे हैं, चलिए बढ़िया से आप लोग लिखिएगा तो पता चल जाएगा। हाँ बहुत कंफ्यूज करता है, हाँ जनजाति वाला कंफ्यूज करता है, उसी को हम देखिए जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को तो वो हम आप लोगों के लिए जो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अगर दिक्कत करता है उसी टॉपिक को मंदिर इसलिए पढ़ाने का रीजन हो गया। मंदिर भी कहीं ना कहीं देखे हम कि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चा को, तो मंदिर जो है इसको कवर करा दिए हैं। झारखंड के रामगढ़ जो जिला है वहां से पर जो स्थित है टूटी झरना, और ये भगवान शिव को समर्पित है। पहला सवाल याद रखना है कि टूटी झरना जो है ये कौन से देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को। और यहाँ पे अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है कि भगवान शिव जो है वहां पर जो शिवलिंग है वहां पे जलाभिषेक जो होता है जो स्वयं माँ गंगा के द्वारा कराया जाता है। और मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर जो जलाभिषेक होता है 12 महीना होता है, 2400 घंटा होता है, 2400 घंटा 7 दिन 12 महीना यहाँ पर जलाभिषेक जो होता है भगवान शिव के शिवलिंग का होता है। और यहाँ पूजा जो है कई सदियों से चलती आ रही है, माना जाता है कि इसका उल्लेख जो है पुराणों में भी मिलता है। और भक्तों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप जाते हैं टूटी झरना के पास, अगर कोई गए हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर आपकी मुराद जो है पूरी हो जाती है। चलिए रामगढ़ से हैं, चलिए चलिए ओम यादव रामगढ़ से ही हैं, मैं गया हूँ टूटी झरना। चलिए ओम यादव, क्या हम पढ़ा रहे ये चीज़ें सही हैं, आप लोग गलती को ढूंढना है। देखिए आप लोग से अगर कोई टीचर है, टीचर अगर सबसे ज़्यादा अगर सीखता है कोई भी टीचर तो वो अपने स्टूडेंट से ही सीखता है। तो आप लोगों से हम बहुत कुछ सीखे हैं और सीखने का प्रयास जो है हमेशा जारी ही रहेगा। जब तक हम पढ़ाते रहेंगे तब तक आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो यहाँ पे मंदिर के इतिहास की बात करें 1925 से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में एक प्रचलित कहानी है। ये कहानी हम किसी लोग से पूछे तो बताए कि
अंग्रेज जब यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उस समय इसी इलाके से जो ये है टूटी झरना जो रामगढ़ वाला है वहाँ से रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। जब पानी के लिए जब खुदाई किया गया तो वहाँ पे ज़मीन के अंदर जो है गुंबद नामा जो है एक चीज़ दिखाई दिया। अंग्रेज इसे जानने के लिए कि आखिर है क्या, तो पूरी खुदाई जब कराया गया तो अंत में वहाँ पर एक मंदिर नज़र आता है और मंदिर के अंदर जो है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग मिला और उसके ठीक ऊपर जो है माँ गंगा का एक सफ़ेद रंग का प्रतिमा भी मिली थी और प्रतिमा के नाभि से आपरूपी जल निकलता, यानी कि जहां पे जलाभिषेक जो है भगवान शिव का स्वयं जो है मां गंगा के द्वारा कराया जाता है और यह उनके दोनों हाथों के हथेली से गुजरते हुए शिवलिंग पे गिरता है और मंदिर के अंदर गंगा की प्रतिमा जो है स्वयं पानी निकलना अपने आप में एक अद्भुत रहस्यमय बना हुआ है। चलिए, किन्हीं को डाउट है? मेरे घर से 24 किलोमीटर दूर है अमन कुमार पांडे। चलिए, बहुत कोई गया है, शुभम सिंह भी गए हैं, उर्मिला कुमारी, चलिए योगेंद्र कुमार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार सेशन को शेयर कर देना है और एक टूटी झरना में देखिए, अब तो यहाँ पे शादी विवाह जैसी परंपरा भी शुरुआत हो गया है। 1957 में यहाँ पे पहली बार शादी जो है शुरू हुआ था। ये चीज़ें याद नहीं करना है, केवल आप लोग प्रॉपर लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में जानिए। कहीं हो सके आप जाते हैं लेक्चर देने के लिए, अगर आपको बुलाया जाता है एज ए चीफ गेस्ट के रूप में तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर रोजाना जो है जल चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है, मगर पहले क्या होता था कि चैत्र नवमी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, शिवरात्रि हो गया, उसी टाइम में पूजा होता था, मगर अब जो है हमेशा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? चार टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद पांचवा टॉपिक है पंपापुर की गुफाएं। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि पंपापुर की गुफाएं जो है कहाँ पे है, तो गुमला में स्थित है। पंपापुर की गुफाएं जो है गुमला में है। पुरातन काल में, प्राचीन समय में अगर बात किया जाए तो पालकोट को क्या कहा जाता है, जो अभी गुमला में जो पालकोट देखने को मिलता है, अगर गुमला से जो है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गुमला में जो पालकोट है उसको पुरातन काल में क्या कहा जाता था। पंपापुर के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। तो पूछेगा सवाल, मान लिया जाए कि जो पालकोट है जो गुमला में स्थित है उसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, पंपापुर। और यहाँ पर जाइएगा पंपापुर गुफाएं, वहाँ पे आपको पंपापुर सरोवर, सरोवर का मतलब तालाब होता है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ भगवान राम जी ने लक्ष्मण उनके भाई जो है उनके साथ रुककर स्नान भी किए थे, ऐसा मेंशन है। और लोगों के माने तो हनुमान की जन्म स्थली जो है वो आंजन धाम भी के अलावा पालकोट में जो है बाली और सुग्रीव का राज भी था, ये भी देखने को मिलता है। पालकोट जो है ये आंजन धाम से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पे माना जाता है कि हनुमान का जन्म हुआ था। यहाँ पे हनुमान को जन्म को लेकर विवाद है, कहीं बोला जाता है कि आंजन धाम झारखंड में हुआ है, कोई बोलते हैं कि हनुमान जी का जन्म जो है हम्पी की गुफाओं में हुआ है, क्योंकि ये प्रचलित कहानियाँ हैं और ये जो है कहीं ना कहीं अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी तक पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो पाया है। प्रचलित कथा को माने तो रामायण काल में जब किष्किंधा जो है, अब जो है ये सब जो है पंपापुर जो जगह है जो पालकोट प्रखंड है वहाँ पे किष्किंधा, उस समय किष्किंधा था, तो अब पालकोट में देखने को मिलता है। वानर राजा जो बाली का राज्य हुआ करता था और जो किष्किंधा ऋषिमुख पर्वत है वहाँ पर था और पालकोट प्रखंड के उमड़ा गाँव के समीप है। अभी वर्तमान में अगर आप पालकोट जाते हैं तो वहाँ पर किष्किंधा से जुड़ा हुआ चीज़ें के बारे में वहाँ स्थानीय लोगों से आप पता कर सकते हैं, यानी कि पालकोट जो इलाका है वो कहीं ना कहीं रामायण काल से जुड़ा है। अगर आप लोग पालकोट से वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से बताइए। चलिए, किन को है, किन को सर मैप के साथ प्रखंड की संख्या भी बोला कीजिए। चलिए, प्रखंड के लिए आप लोग को बता देंगे, बाली जो है ये कहानी आप लोग को बता रहे हैं कि बाली जब अपने भाई सुग्रीव को किष्किंधा से मारकर भगा दिया था और उसके बाद जो है सुग्रीव जाके एक गुफा में छिप जाते हैं, जो आज भी आप लोग को जो है सुग्रीव गुफा देखने को मिलता है। और जब बाली ने सुग्रीव को भगा दिया तब सुग्रीव उसी गुफा में आकर छिप गया और आज भी यह गुफा जो है मौजूद है, उसको सुग्रीव गुफा के नाम से जानते हैं। सुग्रीव ने जो गुफा के अंदर अपनी जरूरत की पूर्ति की सभी वस्तुएं रखी हुई थी और गुफा के अंदर उस जमाने का बनाया गया जो जलकुंड था अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। सुग्रीव गुफा के अंदर ही जो है पंपापुर नामक स्थान है, यानी कि सुग्रीव गुफा के समीप जाइएगा, उसके पास में आप लोग को पंपापुर नामक स्थान है, यहाँ सरोवर भी है। प्रचलित कथा के अनुसार रावण द्वारा जो है माता सीता को जब हरण कर लिया जाता है तब राम और लक्ष्मण इस एरिया से गुजरे थे, यानी कि अपना झारखंड जो है कहीं ना कहीं रामायण काल से जुड़ा हुआ है और गुमला जो है, गुमला में जो है पंपापुर की गुफाएं हैं, ये सब रामायण काल में भी वर्णित हैं, जहां से राम और लक्ष्मण इसी स्थान पर आकर रुके थे। और यहीं पर जब राम और लक्ष्मण रुके हुए थे तो उनकी मुलाकात किससे हो जाती है, सुग्रीव से होती है। और सुग्रीव जो है
अपना पूरा दुखड़ा जो है भगवान राम को सुनाते हैं। और इसके बाद राम के कहने पर सुग्रीव ने जो है बाली को ललकारा और राम ने छिपकर बाली को क्या करे थे, मार गिराए थे और वह मर गया था। और तब लक्ष्मण के द्वारा जो है राज्याभिषेक कराया गया था सुग्रीव को। तो आप लोग रामायण जब पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे। पंपापुर की गुफाएं के बारे में जान लें। एक आपका सवाल बनता है कि सबरी का आश्रम कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सबरी का आश्रम जो है पालकोट जो है ये गुमला में देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग को याद रखना है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पंपापुर पहाड़ पे अब जाइएगा तो वहां पे अभी भी सबरी आश्रम है। और जब सीता की खोज कर रहे थे राम और लक्ष्मण तो सबरी की कुटिया में आए थे, यहां पर रुके थे। तब सबरी के द्वारा जो है जूठे बेर खिलाकर उनका आदर सत्कार, क्योंकि उनके पास कुछ वैसा चीजें नहीं थे तो उनके द्वारा जो है जूठे बेर खिलाया गया था। और आज भी सबरी आश्रम यहां पर देखा जाता है। भुइया समाज ने पहाड़ पर जो है सबरी आश्रम के समीप माता सबरी का मूर्ति और मंदिर बनाने का भी निर्णय ले लिया है। तो आप लोग देख चुके हैं कि जो भी हिस्ट्री है आपका झारखंड से संबंधित तो उसको हम लोग कवर कर लिए, सबरी का आश्रम को देख लिए, पंपापुर की गुफाओं के बारे में देख लिए, टूटी झरना के बारे में देख लिए। तो ये सब सवाल आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल 6 नंबर है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है। लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका मशहूर नाम क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे और बहुत ज्यादा पॉपुलर, इनका पहला मूवी जब आया था तेजाब मूवी था। मगर इनको पॉपुलरिटी कहाँ से मिला, तो एक लाफ्टर शो आया था जिसको बोलते हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो। तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो जो आया उससे इनकी प्रसिद्धि जो है सबसे ज़्यादा मिला। तो बोल रहा है कि 58 साल की उम्र में निधन हो गया, इनको मशहूर नाम क्या था। चलिए हाँ, रामायण मुझे पूरा याद है, पल्लवी कुमारी पांडे बोल रहे हैं। चलिए एक बार सेशन को जो लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए सेशन को। और इसके बाद हम लोग बहुत सारे चीज़ें, झारखंड SSC का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए गजोधर भैया के नाम से ये जो इनका जो एक नाम है उपनाम है मशहूर नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था 1963 में और कल के दिन यानी कि 21 सितंबर के दिन इनका निधन हो गया। अगला सवाल, 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक ACC जो है महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो है महिला T20 एशिया कप चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में कहाँ पर किया जाएगा, तो एक जगह है, प्रॉपर लोकेशन है, सिलहट में किया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके लिए टीम की भी घोषणा कर दिया गया है, जिसके कैप्टन जो है हरमनप्रीत कौर हैं और स्मृति मंधाना जो है वाइस जो कैप्टन बोल सकते हैं उप कप्तान हैं। और ये पूरी टीम है जो कि हम लोगों के लिए ACC वोमेन्स T20 चैंपियनशिप जो बांग्लादेश में आयोजित होगा वहाँ पर खेला जाएगा। आप लोग कल का मैच देखे होंगे जिसमें भारत और इंग्लैंड जो महिला टीम है वहां पे क्रिकेट हुआ, जहां पे हरमनप्रीत कौर के द्वारा 5वां शतक बनाया गया और नबाद रही। आप लोग बताइए कि इनके द्वारा एक नंबर जो है ये बनाया गया, वो नंबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कितना रन मारे हैं वो नंबर भी है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जल्दी से बताइए कितना रन मारा गया इनके द्वारा, यानी कि नबाद भी रहे, लगभग 111 गेंदे में ये कारनामा करके दिखाए थे, 111 गेंदे में उतना रन मारे थे। जल्दी से बताना है कितना रन इनके द्वारा लगाया गया था, हरमनप्रीत कौर के द्वारा जो है कितना रन मारा गया था, वो नंबर जो है वो पॉपुलर नंबर है, जल्दी से बताना है। और उसका फुल फॉर्म अगर पता है उस नंबर का तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर 143 हो जाएगा, 143 यानी कि 143 रन इनके द्वारा बनाया गया था, जो कि हरमनप्रीत कौर के द्वारा, जो कि एक कैप्टन रहते हुए इतना रन मारना बहुत बड़ी उपलब्धि होता है, कहीं ना कहीं टीम को बहुत बड़ी उपलब्धि। लगभग लगता है कि 335 रन हुआ था, हम उतना कंफर्म नहीं है, मगर 335 रन के करीब आया था, 143 था ना, 143 रन मारा गया था। अगला सवाल है कि विदेश मंत्री जो वर्तमान में भारत के हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने कॉमोरस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो अभी बता रहा है, सवाल पूछ रहा है कि कॉमोरस के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए नाना कहाँ के थे, तो कल के सवाल में बताए थे कि नाना से आप लोग को याद रखना है, पूरा नाम नहीं याद करना है राष्ट्रपति का, नाना कहाँ से है, कौन सा देश के राष्ट्रपति है। इमैनुअल मैक्रोन की अगर बात किया जाए फ्रांस का हो जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन की अगर बात किया जाए तो ये रूस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। नाना जो है ये घाना, तो आप लोगों को बताए थे घाना कहाँ का है, तो ये जो है आप लोगों को घाना के जो राष्ट्रपति हैं नाना अफुको। तो एक बच गया आपका अजाली असोमानी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा कोमोरोस का।
अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू किया गया है। वी केयर जो शुरू किया गया है ये विनय कुमार सक्सेना के द्वारा शुरू किया गया है। विनय कुमार सक्सेना जो गए थे यहाँ पे, विनय कुमार सक्सेना जो है यहाँ पे लॉन्च जब हुआ था पहल को तो वहां पे गए थे और ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो दिल्ली है उसका उपराज्यपाल, पूछ दे कि अभी वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट के पवन ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किए हैं। अडानी ग्रीन के द्वारा जो है ये 6.1 गीगावाट का क्षमता बढ़ के हो जाएगा उत्पादन, और 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सीएम का नाम पूछ दे तो क्या हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान, ये भी याद रखना होगा। अगला है छत्तीसगढ़, आप लोग कमेंट करके बताइए छत्तीसगढ़ के अभी सीएम कौन है, कर्नाटक में कौन है, बसवराज बोम्बई, बसवराज बोम्बई जो कि सीएम है यहाँ से बोम्बई, ये भी याद रखना है। वहीं तमिलनाडु की अगर बात किया जाए एमके स्टालिन हो जाएंगे, एमके स्टालिन जो है ये सीएम है कहाँ से, तमिलनाडु से। छत्तीसगढ़ का जल्दी से सीएम आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में कौन है और वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़। चलिए हाँ, अनिल बैजल के स्थान पे आए थे विनय कुमार सक्सेना। चलिए भूपेश बघेल ओम यादव का आंसर आ गया है, छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल जो हमारा पड़ोसी राज्य है, भूपेश बघेल हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन का आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हैं और वो जगह जहाँ पे संघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रहा है वो है उज्बेकिस्तान में हो रहा है, उज्बेकिस्तान में हो रहा है, जहाँ पे जो पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी यहाँ के यानी कि यहाँ पर सभी कार्यक्रम होंगे 2022-23 वाला, यानी कि 2022-23 में जो है ये जो समूह है संघाई सहयोग संगठन, इसकी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको मनाया गया है, वाराणसी को। तो ये कहीं ना कहीं ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के जो आपको समरकंद है वहाँ पे जो ये संघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही है। संघाई सहयोग संगठन समिट 2023 यानी कि 2023 वाला जो समिट होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, यानी कि ये संघाई सहयोग संगठन का जो मीटिंग होगा अगला वो कहां पे होगा। और चीन के अगर आप लोगों को पूछ दे कि चीन का भी राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि यहां पे रूस का राष्ट्रपति बता दें आप लोगों को व्लादिमीर पुतिन, तो चीन का याद रखिएगा तो शी जिनपिंग हो जाएंगे, शी जिनपिंग। चलिए संघाई सहयोग संगठन समिट 2023 की मेजबानी जो है ये भारत करेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बफरिंग हो रहा है, चलिए जल्दी से बताइए किन्हीं का बफरिंग हो रहा है, तो जल्दी से बताना है। और ये है रिवीजन सीरीज आप लोग को जो कि झारखंड एसीसी के तहत हम लोग लास्ट में वीडियो को देखेंगे और इसमें टॉप 10 सवाल रहता है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए किन्हीं का बफरिंग हो रहा है तो जल्दी से बताइए, नो। चलिए आप लोग एक थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा, यहाँ पर तो बफरिंग नहीं हो रहा है बाबू, थोड़ा सा मिला लेना है। लाइट हाउस परियोजना जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 को हुई थी, जिसके तहत झारखंड के कौन सा शहर को शामिल किया गया था, इसके तहत 1008 फ्लैट बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है क्या धनबाद में शामिल किया गया था, रांची या जमशेदपुर या देवघर, इसका आंसर आप लोगों को करना है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 को हुआ था झारखंड के कौन सा हुआ था, तो रांची, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के कुल 116 जिलों में से झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जिनको आकांक्षी जिला में शामिल किया गया था, यानी कि भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है देश के कुल 116 जिला जो है जिसमें आकांक्षी जिला, आकांक्षी जिला का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो वैसे जिला जो पिछड़ी जैसा है उनको आगे ले जाने का काम किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, जिसमें चयन किया गया था हजारीबाग का भी, गिरिडीह का और गोड्डा का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाँ चलिए अगला देखिएगा, बोल रहा है 21वां वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है। 21वां वार्षिक ग्रीन टेक जो पर्यावरण पुरस्कार हुआ ये किसको मिला है, तो ये बोकारो स्टील प्लांट को मिला था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट को 21वां वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार मिला था। और ये सब जितने भी सवाल कराए जाते हैं आप लोगों को रट्टा मार लेना है, एक तरह से याद कर लेना है। प्लांट स्तर पे अगर बात किया जाए तो एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट कवच है, और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से कौन सा प्लांट के द्वारा ऐसा किया गया है, टाटा स्टील प्लांट जो जमशेदपुर, जिंदल स्टील प्लांट पतरातू, स्टील प्लांट धनबाद या बोकारो स्टील प्लांट, किसके द्वारा जो है प्रोजेक्ट कवच लॉन्च किया गया था, जल्दी से बताना है इसका आंसर। अभी तक जो सेशन को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए सेशन को,
ये चार नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जहां पर जो है प्लांट स्तर पर कहीं ना कहीं प्लांट में जो काम करने वाले लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रोजेक्ट कवच को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है कि कोविड 19 के समय में झारखंड सरकार ने ई पास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पास जारी करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, यानी कि जब कोविड महामारी आया था उस समय झारखंड सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पास जारी करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो यहां पर सही आंसर प्रज्ञाम ऐप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल छः नंबर, कोविड 19 के समय में झारखंड सरकार ने आवश्यक चीज़ों की ऑनलाइन आपूर्ति के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जब कोविड महामारी आया था उस समय आवश्यक चीज़ों को आपको मंगाना था यानी कि जो होम डिलीवरी बोल सकते हैं जो राजधानी जैसे एरिया से अगर बिलोंग करते थे तो वहां पर कौन सा मोबाइल ऐप जो है झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जहाँ पर आप जो भी ग्रोसरी से संबंधित सामग्री है जैसे सब्जी वगैरह भी आप मंगा सकते हैं या किचन से संबंधित या राशन वगैरह भी यहाँ से मंगा सकते हैं, क्या नाम था, तो यह है छठा नंबर सवाल। तो छह नंबर का सही आंसर चलिए विजय जानवी, सुलेखा भगत, दीपक कुमार साहा, सुनीता कुमारी, स्मृति वर्मा जुड़े हैं, तो छह का सही आंसर क्या हो जाएगा, बेगिगो ऐप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहां पर सभी का आंसर गलत आया है, चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोविड 19 के समय में झारखंड सरकार ने मजदूरों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए प्रवासी मजदूरों को 2000 रुपये तक आर्थिक सहायता के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, यानी कि ये जो ऐप आया था जिसे डाउनलोड करने के बाद जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में था, वित्तीय सहायता मुहैया कराया जा रहा था जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो कि झारखंड सरकार के द्वारा, तो आपसे पूछ रहा है कि ये मोबाइल ऐप का क्या नाम था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सात नंबर सवाल है, चलिए सात नंबर सवाल का सही आंसर झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप हो जाएगा। कोई भी आंसर करते हैं तो आप लोग नंबर मेंशन करके आंसर क्या कीजिए ताकि हमें पता चल सके, तो सात का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, और आप लोग को अनाउंसमेंट जो करना था वो तो भूल ही गए थे तो अभी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आप लोग के लिए स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का हम क्लास लेने वाले हैं जल्द ही, तो स्टैटिक जीके का क्या रहेगा, आज 50 कमेंट अगर आप लोगों को आता है स्टैटिक जीके को लेकर तभी हम ये सीरीज को चालू करेंगे, नहीं तो अन्यथा हम नहीं चालू करेंगे। अब ये स्टैटिक जीके किससे संबंधित रहेगा, जितना डीप में आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया जाता है झारखंड करंट अफेयर उतना ही डीप में स्टैटिक जीके। अब देखिए स्टैटिक जीके कैसा टॉपिक आता है जिसमें हम भारत के स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, जैसे आपको नेशनल पार्क को उठाएंगे या वैसे जैसे रामसर स्थल को उठाएंगे, निकनेम से संबंधित, मंदिर से संबंधित या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित, तो ये स्टैटिक जीके का जो पोर्शन रहेगा पूरा डीप में पढ़ाएंगे आप लोग को। अगर इससे संबंधित अगर वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, आप लोग कमेंट में जाइएगा वहाँ बताइएगा कि क्या आपको स्टैटिक जीके में हम लोग पॉलिटी की भी कवर करेंगे, आपको हिस्ट्री को भी कवर करेंगे, इसके अलावा आप लोग को इकोनॉमिक्स को भी कवर करेंगे, यानी कि ये मिला जुला सेशन रहेगा जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह सभी को कवर करेंगे, और ये स्टैटिक पोर्शन रहेगा जो कभी चेंज नहीं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं जो कि पहला दूसरा तीसरा अभी वर्तमान तक 15वीं राष्ट्रपति तक सभी का सभी जो है टॉपिक क्लियर कर देंगे। प्रधानमंत्री से आएगा, राज्यपाल से संबंधित आएगा, सभी का सभी क्लियर कर देंगे, तो वैसा वैसा टॉपिक को हम धीरे धीरे करके खत्म कर गए, जैसे पंचवर्षीय योजना से क्या क्या सवाल एस्थेटिक पोर्शन रहेगा, बजट से संबंधित क्या क्या सवाल एस्थेटिक पोर्शन रहेगा, बोलेगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, भारत की पहली महिला नौसेना पायलट कौन थी, तो ये सब टॉपिक अगर आप लोग कवर कराना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर हम आज से भी तैयारी स्टार्ट करें तो हाँ जरूर, मनन बोल रहे हैं क्या आप, अभी बहुत टाइम है बाबू, जरूर आप लोग का हो जाएगा। झारखंड भूगोल कब होगा सर, चलिए झारखंड भूगोल से दिक्कत हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में, हाँ वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो आप लोग कमेंट जैसे करते हैं ना ये कमेंट 50 प्लस रहेगा तभी हम एस्थेटिक जीके, क्योंकि एस्थेटिक जीके हम ऑफलाइन में बहुत दिनों से लगभग 2 साल हम एस्थेटिक जीके पढ़ाए हैं, 2 साल आप लोगों को एस्थेटिक जीके जो है बहुत डीप में पढ़ाए हैं अपना ऑफलाइन के बैच को, जैसे ओलंपिक होता है यहाँ का, ओलंपिक गेम्स के बारे में अभी तक का क्या इतिहास रहा, टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल आए, हॉकी में हम लोगों का क्या स्थान रहा, या इसके अलावा खेल से संबंधित जैसे बोलता है कि थॉमस को आप कौन से खेल से संबंधित हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट वगैरह तो नॉर्मली है, पोलो वाटर पोलो में कितना होता है, पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, आपको खो खो में कितना खिलाड़ी होता है, तो ये ऐसा टॉपिक है एस्थेटिक जीके जिसमें पॉलिटी हिस्ट्री सभी मिश्रण रहता है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ और वो जो सेशन रहेगा ना
हिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, हिस्ट्री में जैसे उठाएंगे आप लोग को, जैसे प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता आएंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता को वैसा टॉपिक को हम कवर करेंगे, ऐसे हिस्ट्री वाला भी सर पढ़ाएंगे, मगर आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के एस्थेटिक पोर्शन को हम उठाएंगे, जहाँ से सवाल बनते हैं, और आपको सभी के सभी सवाल जो बायोलॉजी से संबंधित सवाल जो हो जाएगा, जैसे ब्रेन का जो ब्रेन से संबंधित क्या क्या सवाल आते हैं, आप लोगों को एनीमिया को दूर, महिलाओं से संबंधित एनीमिया के क्या क्या बीमारी होते हैं, उससे भी सवाल जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, कहीं ना कहीं वो सवाल पूछा गया है, उसको हम लोग कवर करेंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में 50 प्लस कमेंट रहेगा तभी हम वो सेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हम बटन ले लिए हैं, क्योंकि बुक भी आप लोगों के लिए निकालना है। देखिए बहुत सारा काम मेरा रहता है, एक तो बुक निकालना, झारखंड जीके को भी पढ़ाना मेरे को ही है, झारखंड रिसेंट का करंट अफेयर मेरे को ही पढ़ाना है, इसके अलावा झारखंड का पिछले 1.5-2 साल का करंट अफेयर मेरे को ही पढ़ाना है, इसके अलावा जो है बहुत सारे काम जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर मेरे को ही पढ़ाना है, तो बहुत सारे जो काम हो जाता है। इसके बाद भी एस्थेटिक जीके अगर आप लोगों का प्यार रहा तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप लोग 50 प्लस कमेंट करना होगा। कोविड-19 के समय में झारखंड सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में सभी खुदरा व्यापारियों और ग्राहकों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जल्दी से बताइए। हाँ, सभी उसमें जानते हैं, आप लोग को बता दें, एस्थेटिक जीके में लगभग 110 टॉपिक आता है, 110 टॉपिक आता है, जैसे टेंपल्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, निकनेम्स ऑफ जो सिटी, जो जैसे जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, मुजफ्फरपुर को क्या कहा जाता है, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, तो निकनेम से, या आप लोगों को कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनका अपना उपनाम होते हैं, जैसे आपको स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जैसे आपको पूछेगा कि बताइए कि जो राजेंद्र प्रसाद है उनका अजात शत्रु और देश रत्न के नाम से जाने जाते थे, और फिर आपका समाधि असल से सवाल आता है कि जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनका समाधि असल कहां पे देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी का समाधि असल कहां पे देखने को मिलेगा, बोलता है राष्ट्रगान से संबंधित सवाल आता है, तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, 110 टॉपिक बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो सवाल आता है आपके एग्जाम में, बहुत भरा पड़ा मिलता है, और एस्थेटिक पे एक बार आपका कमांड हो गया तो ये जीवन भर साथ देता है। एस्थेटिक जीके ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अगर एक बार आपको महारत हासिल हो गया तो आपको आगामी 10 साल के लिए, क्योंकि करंट अफेयर तो बार बार बदलते रहता है, एस्थेटिक जीके कभी नहीं बदलता है। हाँ, चलिए, यहाँ पर कोविड-19 के समय में इसका आंसर करिए, कोविड-19 के समय में जो भी खुदरा व्यापारी थे उनको लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया गया था, जिसको बोलते हैं झारखंड बाजार मोबाइल ऐप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल कि झारखंड सरकार के द्वारा स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ कब किया गया था, झारखंड सरकार के द्वारा स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ कब किया गया था, 24 मार्च 2022 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्या बोल रहे हैं, पंच परगनिया भाषा के लिए कितने बजे क्लास होता है, पंच परगनिया क्लासेज, अभी ऐसा कोई नहीं है, सीजीएल का सिलेबस आप लोग जाके डाउनलोड कर दीजिएगा, नहीं तो हम आज पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को जाकर डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जाके लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आगे टेलीग्राम चैनल को जाइएगा आप लोग प्ले स्टोर में, वहाँ पे टेलीग्राम मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का अंतिम सवाल है, बोल रहे हैं कि झारखंड में साइबर ठगी से निपटने व उससे जुड़ी शिकायतों का समाधान के लिए पूरे राज्य में कौन सा नंबर शुरू किया गया है, यानी कि साइबर क्राइम जो सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में देखा जाए तो कहां पर होता है, जामताड़ा, यानी कि जामताड़ा को साइबर क्राइम कैपिटल के रूप में ही जाना जाता है जामताड़ा को, और जामताड़ा झारखंड का ऐसा जिला है पूरे भारतवर्ष में जहां पर सभी गांवों में लाइब्रेरी की व्यवस्था किया गया है, भारत का कोई भी वैसा जिला नहीं है जहां पर सभी गांवों में लाइब्रेरी की व्यवस्था किया गया है। चलिए, यहां पर 10 नंबर सवाल का सही आंसर करिए, झारखंड पुलिस आएगा तो आपको रवि रंजन जी बता दिया जाएगा, 1930 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं पर डाउट है जल्दी से बताइए, आज सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग सेशन पे नए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए, और आप लोग को बता दूं कि जल्दी में हम, अगर आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है तो हम एस्थेटिक जीके शुरू करने वाले हैं, और एस्थेटिक जीके ऐसा पढ़ाएंगे आप लोग को कि आप लोग का मन जो है बहुत मंत्रमुग्ध हो जाइएगा, आप लोग को कोई भी सवाल नहीं छूट पाएगा, वो जेपीएससी में जितने भी सवाल आया गया है हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटिक्स संबंधित, वो केवल हम एस्थेटिक पोर्शन को कवर करने वाले हैं। साइज कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड, देखिए जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है ये सब चीज़ें आप लोग जो है आप लोग को बता दिया जाएगा, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहां पे ये सब चीज़ें बताए जाते हैं, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, आज कमेंट बॉक्स में कम से कम आना चाहिए, कल का आंसर आया था स्मृति वर्मा का, बहुत आंसर जो है हुबहू जैसे हम पढ़ाते हैं उसी तरह से इनका भी आंसर है, देखिए ताली बजाने से पानी निकलता है, इस कुंड में ऐसा पानी आता है जैसे बर्तन में पानी उबल रहा है, हुबहू जैसे हम पढ़ाते हैं उसी तरह से आंसर भी आता है,
तो आप लोग जाके एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर जाके वहां पे देखना है। कमेंट बॉक्स में जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करते हैं उतना ज्यादा हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स से ही हमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि वाकई में एक्टिव हैं। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करिए, क्या रिस्पॉन्स है आप लोग का, कौन सा टॉपिक आप लोग को चाहिए। इसके अलावा दीपक कुमार साहा के द्वारा बहुत अच्छा आंसर दिया गया, और इन लोगों के द्वारा जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो गए हैं जिनको कमेंट के बिना मन भी नहीं लगता है। कमेंट ऐसा चीज है कि कहीं ना कहीं आप अपने लिखने की शैली को जो है बरकरार रखते हैं और उससे लिखने का आदत हो जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग जाइए, कुछ आता है आप लोग डायरेक्ट सवाल, जैसे आज का सवाल है कि श्री हनुमान जन्म स्थल यानी कि हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है अंजन धाम को, तो आप लोग अंजन धाम जो हनुमान जी का जन्म स्थल है इससे संबंधित क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या इसके बारे में कुछ प्रचलित कहानियाँ हैं, तो इसको भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये था आज का सेशन, कहीं पर डाउट है तो जल्दी से बताइए। किन्हीं को डाउट ज्वाइन कर लिए हैं, चलिए किन्हीं को डाउट कोई है तो जल्दी से बताइए। इसके बाद हम सेशन को आज यहीं पे एंड करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग को स्टैटिक जीके का वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। स्टैटिक जीके हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन को हम एंड करेंगे। जो भी नए लोग हैं जो वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।